अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अफशा और आप देख रहे हैं अफशा फ्लेवर्स। तो अब आप भूल जाएं पुलाव को और बिरयानी को और बनाएं मज़ेदार सी ये राइस की रेसिपी जो कि आपको बहुत आसान लगेगी। तो मैं आपके लिए जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है KFC स्टाइल चिकन राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनने जा रहे हैं और साथ साथ हेल्दी भी। तो चले आएँ हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने लिए हैं तकरीबन 3 बड़े चम्मच खाने के ऑयल के, और इसमें मैं डाल दूंगी गार्लिक का पेस्ट तकरीबन 2 बड़े चम्मच। तो इसे आपने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है और हल्का हल्का सा आपने इसको फ्राई कर लेना है। और ये मैंने लिए हैं बोनलेस चिकन लिया है, इसकी मैंने क्यूब्स की शेप में कटिंग करवा ली थी। तो आप जो है इसे छोटे छोटे पीसीज में कर लें और उसके बाद इसे जो हमने गार्लिक का पेस्ट है इसके अंदर शामिल कर देना है और ऑयल के साथ आपने इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही ये वाइट हो जाए, ये देखें अभी रेडनेस है इसमें, और जैसे जैसे ये वाइट हो जाएगा वैसे वैसे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी गार्लिक की। तो ये देखें अच्छे तरीके से पानी इसका ड्राई हो चुका है। उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर, 1 अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और बारीक बारीक सा उसको काट लिया था, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। ये इसको डालने के बाद आपने हल्का हल्का सा इसमें फ्राई करना है, और 1 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक सा मैंने काट लिया था, वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। बहुत ही कलरफुल सी और बहुत हेल्दी सी ये राइस बनकर रेडी होंगे। और इसमें मैंने ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच सोया सॉस के और 3 बड़े चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है वाइट सिरका। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको हल्का हल्का सा भून लेना है, और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है 1 टेबल स्पून काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर जो है वो आपने पाउडर की शेप में नहीं लेना, बल्कि हल्की हल्की सी काली मिर्च जो है वो कूट के फिर आपने इसमें शामिल करनी है। तो साथ ही इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी, ये देखें अच्छे तरीके से इसमें मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और इसको आपने कवर करके रख देना है 1 या 2 मिनट के लिए ताकि इसका जो चिकन है वो गल जाए। और इसमें मैं पानी डाल दूंगी क्योंकि हमने इसमें चावल ऐड करने हैं, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 गिलास के करीब पानी, और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें शामिल की हैं। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा पानी में, तो आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को मैंने भिगो कर रख लिया था 1/2 घंटे के लिए, 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं। तो आपने इसमें इतना पानी डालना है कि चावल जो है वो 1 इंच के करीब इसमें डूब जाएं। तो ये देखें चावल जो हैं वो इसका पानी ड्राई हो चुका है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल दूंगी शक्कर के, और काली मिर्च पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून। ये आपने तमाम चीज़ें डालने के बाद, और वाइट जो है वाइट पेपर डाल दिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब। ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है दम के लिए। तो अब हम तैयार कर लेते हैं चिकन को। चिकन को मैंने ले लिया है, इसका हम सॉस तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून सोया सॉस में 1 टीस्पून इसमें डाल दी है मैंने क्रश चिली, और साथ ही इसमें डाल दी है 1 टेबलस्पून के करीब मैंने शक्कर डाली है, और इसमें भी शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को आपने डालने के बाद अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है, और साथ साथ आपने इसको इसमें डाल देनी है 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च कुटी हुई। जैसे ही आप इसे इसके अंदर डालेंगे और साथ ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट पे। रेस्ट में रखने के बाद इसमें आपने शामिल कर देनी है कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, और पेपरिका पाउडर इसमें डाल देना है 1 टीस्पून, और फिर इसको आपने पानी इसमें नहीं डालना क्योंकि इसका जो पानी है हमने सोया सॉस और इसमें डाली थी चीज़ें, इसका पानी जो है वो इसी के अंदर आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक एक आपने पीस को ले लेना है और फिर फ्राई कर लेना है। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुका है। मैंने इसमें विंग्स लिए हैं, अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन डाल सकते हैं, या फिर बोन वाला चिकन भी डाल सकते हैं, या उसके पीसेस बड़े बड़े से वो भी डाल सकते हैं। तो जैसे भी आपको ईजी लगे, मेरे पास क्योंकि ये विंग्स पड़े हुए थे इस वजह से मैंने यही इसमें शामिल कर दिए हैं। तो हमारी मज़ेदार सी KFC चिकन राइस की रेसिपी बनकर रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी से ये राइस हैं। और जब मैंने इसे बनाए थे तो ये बिल्कुल भी जैसे आम राइस होते हैं, पुलाव वगैरह हम खा के हमें थोड़ा सा हैवी सा फील होता है, बहुत सी लाइट से ये रेसिपी है
राइस की, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसी तरीके से मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।